तो आज के दिन मार्वल से रिलेटेड एक धमाकेदार अपडेट आया है आर्मर वॉर्स को लेकर, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें आयरन मैन भी दिख सकता है। तो तुम्हें याद होगा कि आज से कुछ महीने पहले मार्वल ने आर्मर वॉर्स नाम का एक सीरीज का अनाउंसमेंट किया था, और कॉमिक कॉन में जब मार्वल ने सभी मूवीज का अनाउंसमेंट किया तो उसमें आर्मर वॉर्स का नाम नहीं था और सबको ये लगा था कि ये सीरीज कैंसिल हो चुकी है। लेकिन डिज्नी D23 में मार्वल ने बताया कि ये सीरीज आएगी, और अभी हाल ही में इसे लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि हमें आर्मर वॉर्स पे सीरीज नहीं बल्कि मूवी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और ऐसा बताया जा रहा है कि सीरीज का बजट काफी ज्यादा हो गया था, तो इसीलिए मार्वल ने इसे मूवी बनाकर रिलीज करने का फैसला किया। और इस मूवी में हमें आयरन मैन का बेस्ट फ्रेंड रोडी देखने को मिलेगा, जो कि टोनी स्टार के जाने के बाद स्टार्क इंडस्ट्री को संभालेगा। और इसमें हमें आयरन मैन से रिलेटेड बहुत कुछ दिखाया जाएगा, क्योंकि सीरीज में आयरन मैन का काफी आर्मर्स को दिखाया जाएगा जो कि किसी गलत लोगों के हाथ में जाएगा और वो लोग इसका गलत फायदा उठाएंगे। और इस मूवी को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें हमें आयरन मैन भी दिखेगा, क्योंकि ये मूवी आयरन मैन की टेक्नोलॉजी के ऊपर होने वाली है, तो ऐसे में इसका चांसेस काफी ज्यादा है कि इसमें टोनी स्टार को भी दिखाया जाएगा। लेकिन अब तुम्हारे मन में ये सवाल आया होगा कि इसमें टोनी स्टार को कैसे दिखाया जा सकता है। तो देखो, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि जैसे एवेंजर्स एंडगेम के एंडिंग में टोनी स्टार को एफ फॉर्म में दिखाया गया था, वैसे ही सीरीज में टोनी को दिखाया जाएगा, क्योंकि कॉमिक में भी ऐसा हो चुका है कि कॉमिक में आर्मर वॉर्स कॉमिक के अंदर आयरन मैन के जाने के बाद आयरन मैन को ऐसे ही एफ फॉर्म में दिखाया जाता है। तो इसका चांसेस काफी ज्यादा है कि इस मूवी में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्वल इसी सीरीज से मूवी बना रही है, तो मूवी में इन्हें तो कुछ बड़ा ही दिखाना होगा, क्योंकि इस मूवी में पेपर बोट्स को भी दिखाया जाएगा जो कि आयरन मैन का सूट का यूज करेगी, जैसे हमने एवेंजर्स एंडगेम के फाइनल बैटल में दिखा था। तो एक बात तो तय है कि इस मूवी में आयरन मैन से रिलेटेड बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और शायद इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें आयरन मैन देखने को मिल जाए, जो कि इस बात का हिंट होगा कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर आयरन मैन को दिखाया जाएगा। और अगर सच में ऐसा हो गया फिर तो फैंस नाचने लगेंगे। वैसे तुम्हें क्या लगता है, क्या इस मूवी में आयरन मैन को दिखाया जाएगा? ये कमेंट में जरूर बताना। और इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई यूनिक सा टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए तो वो भी कमेंट कर देना, अगला वीडियो उसी पे आएगा। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर तुम चाहते हो कि मैं और भी ऐसी वीडियो बनाऊं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। टिल देन, गुड बाय।